देश भर में मंगलवार की रोज भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन के पावन रिश्ते के लिए रक्षाबंधन के बाद भाई दूज सबसे खास त्यौहार है। बाड़मेर शहर में भी भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की मंगल आरती उतारी, कुमकुम तिलक किया और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधे। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है। इसे यम द्वितीय भी कहते हैं। इसी दिन कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। भाई दूज में बहन रोली व अक्षत से अपने भाई को तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती नजर आई। भाइयों ने बहन को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दिया। दीपावली के दो दिन बाद आने वाला यह ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। जिनकी बहनें दूर रहती हैं, वे भाई उनसे मिलने अवश्य आते हैं। बहनें पीढ़ियों पर चावल के घोल से चौका बनाती हैं, इस पर भाई को बैठा कर उनके हाथों की पूजा करती हैं। बहनों और भाइयों के लिए यह त्यौहार रक्षाबंधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। बहनों से ज़्यादा भाइयों को इस दिन का इंतजार रहता है। भाई दूज वह दिन है जिस दिन बहनें भाई को उपहार देती हैं। आज सारी बहनों ने अपने भाइयों के लिए भाई दूज का व्रत रखा है और भाई दूज का मेन रीज़न है श्री भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करके द्वारिका वापस लौटे थे, तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका फल फूल और आरती के साथ में उनका स्वागत किया था, तो उसी के लिए भाई दूज मनाया जाता है। तो हमने भी आज अपने भाइयों की आरती करके और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत। ये रक्षाबंधन के बाद दूसरा त्यौहार होता है जो भाइयों के लिए भाइयों का दिन होता है स्पेशली, और इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत भी रखती है और उनको मीठा खिलाकर सेलिब्रेट करती है। बहुत अच्छा फील हुआ। मैं दो साल बाद मना रहा हूँ, दो साल में बाद था और मना के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और इसके लिए मैंने लाइन लिखी है, तो आती है दिवाली लेकर भाई दूज का त्यौहार, सालों साल बना रहे भाई बहन का प्यार। तो बहुत महत्व होता है इस त्यौहार का, इसलिए इस बार इसमें हमको सिस्टर से प्यार मिलता है। हमको रक्षाबंधन में तो देना पड़ता है हमको कुछ, इसमें सिस्टर से मिलता है हमको तोहफा। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और रक्षा सूत्र बांधती हैं।